वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा बनाम खानपुर विधायक प्रणव सिंह का विवाद अब काफी आगे तक बढ़ने लगा है, क्योंकि उमेश शर्मा के साथ अब हरिद्वार क्षेत्र के पत्रकार भारी संख्या में उन्हें चुनाव लड़ाने में जुड़ गए हैं। इसके साथ ही आज पत्रकार वार्ता के दौरान उमेश शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि वह कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को चैंपियन नहीं मानते। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह खानपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, अगर पत्रकार उनका साथ दे तो वह खानपुर विधानसभा से चुनाव भी लड़ेंगे। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं उमेश कुमार। मेरा यही कहना है कि पत्रकारों की ताकत का एहसास कराना बहुत जरूरी था। हमसे आप हमारी हैसियत पूछें, आपसे हम आप हमें हम शारीरिक तौर पर बोधा कमजोर बताकर लड़ने की चुनौती दें, आप कहें शरीर में तो तू मेरे बराबर नहीं है, लड़ नहीं सकता, तो ये अपमान का जो घूंट, ये जो अपमान का जहर पत्रकार साथी भाई हमारे 20-25 साल के युवा खून का घूंट पीकर अपमानित होकर अपने स्वाभिमान पर ठेस पहुंचने के बावजूद किसी तरीके से अपने लड़ाई लड़ रहे थे, उस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी था। और ये जवाब किसी एक चैंपियन को नहीं दिया गया। चैंपियन कौन, चैंपियन तो पता नहीं आप लोग क्यों कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। ये एक किसी प्रणव को नहीं दिया गया है, किसी विधायक को नहीं दिया गया, ये पूरे उत्तराखंड पूरे देश को संदेश है कि हम भी चौथा स्तंभ हैं, हमारी हैसियत मत पूछिए, जो हैसियत आपकी है उससे कई गुना बड़ी हैसियत है। हमें आपकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन आपको हमारी ज़रूरत रोज पड़ती है। तो इस बात से आप एहसास लगा लीजिए, एहसास कर लीजिए कि किसकी हैसियत ज़्यादा है। इसके संबंध में शिकायतें दर्ज करा दी गई हैं, इसके संबंध में जानकारी भी जुटाई जा रही है, काफ़ी जानकारियां हाथ लग गई हैं। इसके बाद अब माननीय न्यायालय जाया जाएगा। जितने भी लोगों ने इन कोठियों पर अनैतिक रूप से, अवैध रूप से, दबंगई के आधार पर कब्जा किया हुआ है, इन सबको ये छोड़नी पड़ेंगी, आज नहीं तो कल। कानूनी लड़ाइयां लंबी जरूर होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अंततः निष्कर्ष जरूर निकलता है। पूर्व में उत्तराखंड का ही सबसे बड़ा उदाहरण है कि कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को जुर्माना लगाया गया, करोड़ों रुपए के वसूली करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए, वो लोग उच्चतम न्यायालय भी गए लेकिन उनको कोई राहत नहीं मिली।